धर्म कथा तो नहीं होने वाली। वही है महर्षि विशिष्ट जिन्होंने योग वशिष्ठ की रचना करी है, वही है महर्षि विशिष्ट जिन्होंने राम जैसे शिष्य को शिक्षा दी है। छोटी मोटी हस्ती तो नहीं, अनेक प्रकार के वार्तालाप चलते होंगे, चर्चा चलती होगी, बहुत ज्ञान गोष्ठी इत्यादि होती होगी। राम भी बैठते हैं, मंत्रा भी बैठती है, कैकेयी भी बैठती है कथा सुनने के लिए। एक पौराणिक कथा है, कश्यप की महाराज की दो पत्नियां हैं, कद्रु और विंता। विंता बहुत सरल स्वभाव की है, बहुत सुशील है, नेक है, किसी प्रकार का द्वेष वैर इत्यादि उसके अंदर नहीं है। कद्रु बिल्कुल विपरीत है, सौत है, इसलिए हर वक्त दृष्टि कुदृष्टि रहती है कद्रु की, विंता की नहीं। बदकिस्मती है कश्यप की, दो हैं तो कद्रु जो है हर वक्त इस प्रकार की दृष्टि उस पर रखती है, किसी न किसी ढंग से इसको नीचा दिखाया जाए, किसी न किसी ढंग से इसको तंग किया जाए, परेशान किया जाए, ईर्ष्या की भावना के कारण ईर्ष्या आ गई। एक बार सूर्यदेव का रथ आया है, देखा दोनों ने, सफेद घोड़े हैं, सफेद ये पूछ। कद्रु कहती है नहीं, इसकी पूछ काली है। विंता कहती है नहीं, सफेद घोड़े हैं, श्वेत घोड़े हैं, इनकी पूछ भी सफेद ही है। कद्रु कहती है नहीं, सफेद नहीं, काली है। सर्पों की मां है ये कद्रु, पौराणिक कथाएं हैं इसी प्रकार की हैं, सर्पों की मां है। काले जितने सांप थे सबको बुला लिया, शर्त रख दी, पास जाके देख लेना, यदि पूछ काली हुई तो जिंदगी भर तू मेरी दास्ता करेगी, ये कद्रु की चाल है। और यदि सफेद हुई, शर्त रख ली आपस में, काली दिखाई देगी, मैं कहती हूं काली है, तू कहती है सफेद है, यदि काली निकली तो जिंदगी भर तू मेरी दास्ता करेगी। विंता बेचारी मान जाती है, ठीक है, उसे सत्य बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है, सूर्य के रथ के जो घोड़े हैं उनकी पूंछ सफेद है, काली नहीं है। ये सर्पों की मां है, सारे काले सर्पों को बुला के हुक्म देती है, सारी की सारी पूंछों को इस प्रकार से लपेट दो कि पूंछ काली दिखाई दे, और विंता को कहती है आ मेरे साथ, आके देख पूंछ सफेद है या काली। सारी की सारी जितने घोड़े लगे हारे थे उनकी पूंछें काली दिखाई दे रही हैं। विंता जिंदगी भर दास नौकरानी सेविका बन के व्यतीत करती है। कद्रु का षड्यंत्र है ये, उसकी चाल है, उसकी कूटनीति है, ये दुष्टा है। विंता के ही पेट से कालांतर में गर्भदेव का जन्म होता है जो सांपों को खाता है। अपनी मां का बदला लेने के लिए, प्रतिकार के लिए, इन्होंने मेरे मां के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, दास्ता दी है, सेविका बन के रही है वह कद्रु की जो इसके योग्य नहीं है, इसका बदला लेने के लिए वह सर्पों को खाते रहते हैं। गर्भजी महाराज का ये काम है, वह सर्पों को खाते रहते हैं। जानते हो ऐसी कथाएं जहां सौत है, ये कथाएं चुन चुन के तो मंत्र कैकेयी को सुनाती है। मंत्रा को छोटी मोटी हस्ती नहीं, आप तो जानती हो ना माताओं, किसी महिला को यदि आपने अपने पति के विरुद्ध करना है तो किसी दूसरी की बात कर दो, है ना ये बात ठीक, ऐसे ही होता है ना, किसी दूसरी के बीच में लाके चर्चा कर दो, बस बात बन गई। यही बात बार बार मंथरा कैकेयी को याद दिला रही है, अरे कुशल्या सौत है तेरी, तू तो बड़ी सरल है विंता की तरह, कद्रु की तरह कन्निंग नहीं कहती, तू तो बड़ी सरल है विंता की तरह, देख तेरी दुर्दशा भी ऐसी ही जैसी विंता की हुई थी, वह कुशल्या तो कद्रु है, कद्रु
तू तो बड़ी सरल है। कह कही अपनी प्रशंसा सुन के, भक्तजनों ये प्रकृति है ना, परिस्थिति है ना, ये हमारी कमजोरियों को भली भांति जानती है। जहां जहां आपकी जो जो कमजोरी है उस कमजोरी का वह परिस्थिति लाभ लेती है। क्या कही हम सब की तरह अपनी प्रशंसा की बड़ी भूखी है। आज मंथरा ने उसे विनता के तुल्य बता दिया, मानो प्रशंसा का पुल बांध दिया, तो वह राजी हो गई। मंथरा जैसी तू कहती है वैसा ही होगा। अपनी प्रशंसा सुन के तो अति प्रसन्न हो गई है। ऐसी कथाएं चुन चुन के सुनाती है ताकि पति को नहीं कहती है कि वह गलत है, ये कुशल्या का पढ़ाया हुआ है इसलिए वह ऐसा कर रहा है। दूसरी महिला की बात किसी एक महिला के लिए सुननी अति कठिन, ये नहीं सुनी जाती। इसलिए दशरथ की बात वह जानती है, इस बात को नहीं करती, वह कुशल्या की बात करती है। उसका पढ़ाया हुआ है ये तो तेरे मुट्ठी में बंद था, आज देख किस प्रकार का ये कर्म कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसलिए वह तेरी जो सौत है ना कुशल्या, उसका पढ़ाया हुआ है ये उसका षड्यंत्र है, ये उसका है सब कुछ, उसी ने भक्त को बाहर भेजा हुआ है इत्यादि इत्यादि। बेचारी कुशल्या को पता भी नहीं है ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर मंथरा जो है वह इस प्रकार की पट्टी पढ़ा रही है। मंथरा जानती है कि कई बहुत जिद्दी है, इसके मुख से यदि कोई चीज एक बार निकल जाएगी, यदि वे अपनी जिद पर आ जाती है तो फिर पक्की है, फिर इसे परमात्मा भी जो है वह इसको जिद से हटा नहीं सकता, वह इस बात का भी लाभ लेती है। ये जिद के संस्कार उसने अपनी मां से लिए है। ककई की मां का नाम है ककाई, अश्वति की पत्नी है ये। कहते हैं किसी संत महात्मा की कृपा से अष्टपति को पशुओं की भाषा समझ में आती थी, पक्षियों की भाषा समझ में आती थी, ये कीड़े मकौड़े चींटी इत्यादि जो रींगते हैं इनकी भाषा समझ में आती थी, वे आपस में क्या बोलते हैं वे अष्टपति समझ आते थे। एक शर्त रखी थी महात्मा ने, यदि इनकी वार्तालाप इनकी चर्चा को तू किसी को बताएगा तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए ये बात अपने तक ही रखना। वे क्या बातचीत हो रही है, क्या आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, क्या चर्चा हो रही है आपस में, दो पशु दो पक्षी दो चींटा चींटी इत्यादि आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, इसका भेद किसी को ना देना, जिस दिन तू भेद दे देगा उस दिन तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। आज दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं, ककई की मां बैठी है, ककई के पिता बैठे हैं, एक चींटी अपने मुख में छोटा सा चावल का दाना लिए जा रही है, आगे से एक और चींटी मिलती है, आपस में कोई बातचीत होती है, ये समझ जाते हैं, ये सुन लेते हैं बातचीत और उसे समझ लेते हैं क्या कह रही है। चींटी कह रही है मैं बहुत भूखी हूं, ये चावल का दाना मुझे दे दे। जिसके मुख में चावल का दाना है वह कहती है नहीं तू उच्च जाति की है, मैं तुझे नहीं दूंगी चावल का दाना। ये सुन के तो अश्वपति हंसने लग जाते हैं। ककई की माता ने कारण पूछा, आप मूर्ख तो नहीं हो, कोई ना कोई बात तो है, क्यों हंसे हो, मुझे कारण बताओ, कुछ बताए ना, मैं बता नहीं सकता। ये दो चींटियां आई हैं आपस में, इनकी बात सुन के इनको देख के तो मैं ऐसे मेरे मुख से हंसी निकल गई, नहीं क्या बात है, बहुत आग्रह कर रही है और ये मना कर रहे हैं। ककई मेरे से ये बात ना पूछ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर मैं यदि तुम्हें बताऊंगा तो मैं तुम्हें सच कहता हूं मेरे सिर के उसी वक्त 1000 टुकड़े हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। ककई कहती है सो व्हाट, कोई बात नहीं, मुझे बात बताओ। ऐसा नहीं कि महिलाएं ही ऐसी, कोई भी हो सकता है, पर यहां पर ककई की मां की बात चल रही है। जब जिद को पकड़ लिया
राजा अश्वपति ने सोचा मरना निश्चित है, इसको बताना ही पड़ेगा, ये इस प्रकार से मानेगी नहीं, और यदि मरना ही है मुझे तो चलो काशी चलते हैं, हो सकता है इसकी जिद में कुछ फीकापन आ जाए, और यदि मुझे मरना ही है भाई तो मैं वहां मरूंगा, यहां क्यों मरूं, चलो काशी में चल के मरता हूं। ले गए वहां पर, लेके जाके क्या देखते हैं, वहां पर कुछ दिन व्यतीत हुए लेकिन इसने अपना आग्रह नहीं छोड़ा, वो आपने बात नहीं मुझे बताई अभी तक, मैं मुझे बताओ क्या बात। पुनः कहते हैं अरे मैं मर जाऊंगा यदि मैंने बात बता दी तो, लेकिन वह इस बात का परवाह नहीं करते। आखिर एक दिन किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, क्या देखते हैं, एक कुआं है, एक बकरा एवं बकरी दोनों आपस में वार्तालाप चर्चा कर रहे हैं। बकरी कहती है यदि तुम चाहते हो कि मैं तेरे घर बसूं, बसी रहूं, तो कुएं में जो घास है वह मुझे निकाल के दे। बकरा कहता है देख, कुएं में जाना या मुख अपना डालना, मैं कुएं में गिर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसी जिद ना कर, मैं उसमें से घास नहीं निकाल सकता, मानो तू मुझे मौत के मुंह में भेज रही है। बकरी भी कहता है इसी तरह ही कहती है सो व्हाट, मुझे घास ला के दीजिएगा। बकरा जब देखता है कि ये जिद पर आ गई हुई है तो अपने सींगों से उसे लहूलुहान कर देता है, बहुत मारता है उसे, बहुत मारता है और मार मार के उसे लहूलुहान कर देता है, जब तक बकरी उससे हाथ जोड़ के तो क्षमा याचना नहीं करती। अश्वपति को एक बिंदु मिल गया, चल घर चल के तो तुम्हें बताऊंगा वह चींटा चींटी आपस में क्या बातचीत कर रहे थे। घर आके बिल्कुल अश्वपति जी महाराज ने कह कही कि मां से वही व्यवहार किया है जो बकरे ने बकरी के साथ किया था, और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने क्षमा याचना नहीं कर दी। कह कही पर भी अपनी मां के संस्कार उसी प्रकार के आए हुए हैं। कई को भवन में चली गई है, सब चीज हो गई है तय, वो भवन में जाके तो वह लेट गई है। माताओं सज्जनों, उसी वक्त राजा दशरथ का आगमन होता है। राजा दशरथ बहुत भरोसा लेके तो कैकई के पास जा रहे हैं, मेरी कैकई राज्यभिषेक की सूचना मिलेगी, इस कल राम को राज्यभिषेक होने वाला है, राज्य मिलने वाला है, तो उसके हर्षोल्लास की सीमा नहीं रहेगी, बहुत प्रसन्न होगी वह। लेकिन जाते ही जैसे ही मकान की दुर्दशा देखते हैं, महल की दुर्दशा देखते हैं, कारण पूछते हैं, को भवन में है, यदि होनी प्रबल ना होती, प्रारब्ध प्रबल ना होती, परमेश्वर की इच्छा परम इच्छा प्रबल ना होती तो राजा दशरथ को वहीं से मुड़ जाना चाहिए था। इतना शुभ अवसर है कल, इतना शुभ समाचार है इस वक्त, ये को भवन में चली गई है, मुझे इसका मुख नहीं देखना चाहिए, लेकिन परिस्थिति इसकी दुर्बलता को भी जानती है, वह इसकी दुर्बलता का भी फायदा लिया। ध्यान दें, कैकई ने मंथरा जो उसकी मार्गदर्शिका है उससे ये नहीं पूछा, फर्ज कर तू जो कुछ कह रही है और यदि दशरथ आता ही नहीं है तो मैं को भवन में जाके क्या करूंगी, ये नहीं पूछा। क्यों? कैकई को पता है राजा दशरथ मेरे पास रात को आए बिना रह नहीं सकते, उनको आना ही होगा। परिस्थिति फिर राजा दशरथ की कमजोरी का भी फायदा उठा रही है, कामी व्यक्ति है ये, आके ही रहेगा, मेरे प्रति उसका विशेष आकर्षण, वह आएगा अवश्य आएगा, ये हो ही नहीं सकता कि राजा दशरथ मेरे पास ना आए। आ गए, वो भवन में चले गए, वहां जाके क्या हुआ है आप सब जानते हो, बहुत कुछ कैकई ने कहा है, बहुत कुछ राजा दशरथ ने कहा है, आपस में बातचीत भी हुई है। बेचारे राजा दशरथ को
अपने शिकंजे में कस लिया है, फंसा लिया है। दो वर के लिए आपने वायदा किया था, मैं दो वर मुझे दीजिएगा, भरत को राज्य दीजिएगा एवं राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिएगा, इतने हो गया है। राजा दशरथ बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन एक बात आज आपने पढ़ी होगी, क्या कई बहुत स्पष्ट कहती है, मैं अपनी सौत का सुख नहीं देख सकती। जो दीक्षा मंत्रा ने दी है उसे भली भांति उस मंत्र को याद है, मैं अपनी सौत का सुख नहीं देख सकती। पंक्ति साफ लिखी हुई है, कई मैं अपनी सौत का सुख नहीं देख सकती। देखो दूसरे का सुख देखना कितना कठिन है, कितना दुखदायी है। दूसरे का सुख क्या जाता है आपका, लेकिन वह स्पष्ट कहती है मैं सौत का सुख नहीं देख सकती, मैं ये नहीं देख सकती कि वह किसी भी प्रकार से सुखी हो, ऐसा होके रहेगा। आज भगवान श्री वन के लिए प्रस्थान कर गए, बहुत कुछ हुआ है, बहुत उपदेश, इतना समय भी नहीं है आपकी सेवा में कुछ कहने का। हाँ, जो माता सुमित्रा ने शिक्षा दी है लक्ष्मण जी महाराज को, कल इस वक्त या दिन में किसी वक्त उसी चर्चा से आरंभ करेंगे। आज मात्र इतना, भक्तजनों भगवान का दूर जाना इस प्रकार का नहीं, जैसे आप दिल्ली से आए हुए हो, यहां हो दिल्ली में नहीं हो, और जब दिल्ली में होते हो तो हरिद्वार में नहीं होते, भगवान का आना जाना इस प्रकार का नहीं है। भगवान दिल्ली में भी है तो हरिद्वार में भी है, अमेरिका में भी है, एक ही समय में है। कब हमें दूर महसूस होते हैं, भीतर विराजमान होते हुए भी भगवान कभी दूर महसूस होते हैं और कभी बिल्कुल पास में होते हैं, ये आप हर एक का अनुभव है। कब, जब भीतर मंत्रा नहीं होती तो भगवान बिल्कुल पास होते हैं, और जब भीतर मंत्रा आ जाती है तो भगवान पास होते हुए भी बहुत दूर दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी अयोध्या से प्रस्थान कर गए हैं, निकल गए हैं। ये हमारी अयोध्या, हमारा अंतःकरण, इससे दूर चले गए हैं, कहीं नहीं गए हैं, लेकिन लोगों को इस प्रकार का लग रहा है। क्यों? इस वक्त मंत्रा की वृत्ति, क्रोध, काम, लोभ इत्यादि सब विकार इकट्ठे हुए हैं वहां पर, और जहां ये विकार इकट्ठे हो जाते हैं वहां राम नहीं रहते, जहां काम आ जाता है वहां राम नहीं रहते, राम दूर चले जाते हैं। पिछले जन्म में मनु जी महाराज प्रभु राम को कहते हो, आप मेरी चंद्रमा हो और मैं आपका चकोर हूं। आज कैकेयी को आके कहते हैं, अरे तू तो जानती है तू मेरी चंद्रमा है और मैं तेरा चकोर। भगवान कहते हैं, राजा दशरथ ने चंद्रमा बदल लिया है, इन्हें अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। चंद्रमा बदल लिया राजा दशरथ ने, मैं था चंद्रमा कभी तो मैं पुत्र बन के इनकी गोद में आके खेला, आज इन्होंने चंद्रमा बदल लिया है, कैकेयी को चंद्रमा बना लिया है, मेरी आवश्यकता नहीं, इसलिए भगवान प्रस्थान कर जाते हैं। हमारे अंतःकरण में जब विकार आ जाते हैं रहते हैं, लेकिन जब विकार उछल कूद करने लग जाते हैं, हम विकारों के दास बन जाते हैं, तब ऐसा लगता है भगवान हमसे दूर चले गए हैं, और जब हम निर्विकार होते हैं तो भगवान बिल्कुल पास ही होते हैं, पास ही रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं है जैसे हम आते जाते हैं। धन्यवाद, यही समाप्त करने। नमो नमः श्री राम तुझको नमो नमः, नमो
नमो नमः 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 महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः महाराज नमो नमः 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 नमो